हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि HTML में एलिमेंट्स, टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड टैग नेम्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। HTML टैग एंगल ब्रैकेट के द्वारा घिरे हुए होते हैं। एंगल ब्रैकेट यानी कि लेस देन और राइट देन के अंदर हम किसी भी टैग का नाम लिखते हैं। HTML tags are normally comes in pair like HTML and forward slash HTML. HTML normally pairs में होते हैं। कई tags ऐसे भी होते हैं जो pair में नहीं होते हैं। The first tag in a pair is the start tag. The second tag is the end tag. फर्स्ट टैग को स्टार्ट टैग कहते हैं और सेकेंड टैग को एंड टैग कहा जाता है। द एंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग बट विद ए स्लैश बिफोर द टैग नेम द एंड टैग। एंड टैग जो होती है वो स्टार्ट टैग की तरह ही उसको लिखते हैं, लेकिन एंड टैग में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया हुआ है। द स्टार्ट टैग इज ऑफ्टन कॉल्ड द ओपनिंग टैग। द एंड टैग इज ऑफ्टन कॉल्ड द क्लोजिंग टैग। स्टार्ट टैग को हम ओपनिंग टैग भी कहते हैं और एंड टैग को हम क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। जैसे मैंने ये HTML कोड लिख रखा है, यहाँ पे ये HTML लिखा हुआ है, तो HTML ये एक टैग है और ये हेड ये एक टैग है और इसके पेयर हैं। देखिए, फर्स्ट पेयर यहाँ पे है और अंदर मैंने इसका जो भी कंटेंट है वो लिखा है सब पूरा, और लास्ट में ये इसका दूसरा पेयर है, यानी कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है यानी क्लोजिंग टैग है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन HTML एलिमेंट इन इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज। HTML एलिमेंट डॉक्यूमेंट और वेब पेज के इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं। HTML इज कंपोज्ड ऑफ ए ट्री ऑफ HTML एंड अदर नोड्स सच एज टेक्स्ट नोड्स। HTML एलिमेंट्स और HTML के अदर नोड्स जैसे टेक्स्ट नोड से मिल करके बना हुआ होता है। ईच एलिमेंट कैन हैव HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड। प्रत्येक एलिमेंट का HTML एट्रीब्यूट होता है। एलिमेंट कैन आल्सो हैव कंटेंट इंक्लूडिंग अदर एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट। एलिमेंट अदर एलिमेंट और टेक्स्ट के साथ कंटेंट को रखता है। जैसे हमने यहाँ पे ये टैग यूज की थी। HTML टैग है, हेड टैग है और हेडिंग टैग है और पैराग्राफ टैग है। जैसे ये पैराग्राफ टैग है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो इसके बीच का ये जो जितना भी ये कंटेंट है और ये पूरी और ये दोनों पेयर, ये पूरा इतना कंटेंट ये एलिमेंट कहलाएगा, ये पैराग्राफ एलिमेंट है। जैसे ये HTML है, तो HTML क्या है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो इसके बीच का जितना भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस पूरे को मिला के हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये एलिमेंट होता है HTML का। इसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स इन जनरल, एन एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक। आमतौर पर एट्रीब्यूट विशेषता होती है। इन HTML एन एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेज एलिमेंट सच एज फॉन्ट साइज और कलर। इन HTML एन एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेज। HTML में एट्रीब्यूट पेज एलिमेंट की विशेषता होती है। जैसे फॉन्ट के दो एट्रीब्यूट होते हैं, साइज और कलर। तो ये फॉन्ट के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे फॉन्ट को हमें साइज देना है
तो हम टेक्स्ट को हमें साइज देना हो तो हम साइज एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं फॉन्ट टैग में, और कलर के लिए कलर एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं. एट्रीब्यूट्स आर यूज टू एम्पलीफाई अ टैग. एट्रीब्यूट्स टैग के टैग को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. व्हेन ए वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स एन एचटीएमएल टैग, इट विल आल्सो लुक फॉर इट्स एट्रीब्यूट्स so that it can display the web page elements properly. जब एक वेब ब्राउजर HTML टैग को इंटरप्रेट करता है तो वो उसके एट्रीब्यूट्स को भी देखता है ताकि उसका जो कंटेंट है, जो एलिमेंट है उसके, उसको प्रॉपरली वो दिखा सके. तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं. जैसे मैंने ये पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास इन्वर्टेड कॉमा में मेन. तो ये पैराग्राफ टैग की एट्रीब्यूट हो गई, ये एट्रीब्यूट है क्लास. जैसे इसको हम सेव करेंगे, जैसे अगर हमें टाइटल देना है, एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, तो टाइटल के लिए लिखते हैं टाइटल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है. टाइटल ये एट्रीब्यूट है और इन्वर्टेड कॉमा में एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखी जाती है. जैसे वैल्यू में मैंने लिख दिया टैग, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया. तो ये एट्रीब्यूट है इसकी. इसको हम सेव करेंगे और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये आ गया. अब इसके ऊपर जब हमारा माउस का पॉइंटर जाएगा, इसका टाइटल जो हमने दिया था तो वो शो करेगा. तो टाइटल में जो भी हम वैल्यू दे देंगे, यानी टाइटल एट्रीब्यूट की जो भी हम वैल्यू दे देंगे, तो वो यहाँ पे शो करेगी. ठीक है, तो अब इसका हम थोड़ा इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं. जैसे ये एक एलिमेंट है, पूरा पैराग्राफ एलिमेंट है ये, इसको पूरे को एलिमेंट कहा जाएगा. और ये स्टार्ट टैग है ये, और ये एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट है, और ये मेन, ये वैल्यू है इसकी. जो भी हम लिख देंगे वैल्यू में, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू जो भी लिख देते हैं यहाँ टाइटल में, तो वो माउस का पॉइंटर जब उसके ऊपर जाएगा तो वहाँ पर शो करेगा. इसके बाद मैंने ये कंटेंट लिखा है पूरा, और ये एंडिंग टैग है हमारी, ये एंड टैग है. तो इस तरह से दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट, एट्रीब्यूट और टैग्स क्या होती हैं. आप वीडियो को पॉज करके इनकी थ्योरी लिख लीजिए, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना आ जाए तो आप लिख सकें. तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा. तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने HTML टैग्स, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में देखा है. आज अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML के और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए बाय.